तो हाय दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं फिश एंड पोल्ट्री अड्डा। आज का जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे, ब्रूडिंग टाइप्स। जब हमारे फार्म पर चिक्स आता है तो हमें किन किन प्रकार से, किस किस प्रकार से ब्रूडिंग करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो इस चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा इसी तरीके की नॉलेज लेने के लिए। हमारे इस चैनल पे आपको फिश से रिलेटेड नॉलेज और पोल्ट्री से रिलेटेड नॉलेज भी प्रोवाइड कराई जाती है, आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको 1000 बर्ड पर प्रॉफिट बताया था, कौन कौन से फैक्टर पर प्रॉफिट वर्क करता है उस पर भी मैंने आपको बताया था। तो आई होप आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, जो भी हमारे नए पोल्ट्री फार्मर भाई हैं जो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। मेरा जो फार्म है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, उसकी एक आध दो दिन में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रूडिंग टाइप्स। ब्रूडिंग आपको किस किस प्रकार से कर सकते हैं, ये देखिए, एक तो होती है आपकी इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग, एक होती है आपकी गैस ब्रूडिंग और एक होती है आपकी अंगीठी ब्रूडिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रूडिंग बाय बल्ब्स, यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग, इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग में क्या होता है, बल्ब द्वारा ब्रूडिंग करते हैं, ठीक है। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट के बल्ब का हम लोग प्रयोग करते हैं ब्रूडिंग। ब्रूडिंग बहुत से जानने चाहते होंगे ब्रूडिंग होते क्या। ब्रूडिंग एक फर्स्ट फेज होता है चिक्स का, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फेज होता है। विदाउट ब्रूडिंग आपका जो बर्ड है वो ग्रोथ पकड़ ही नहीं सकता। ब्रूडिंग का मीन्स होता है एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर बर्ड को प्रोवाइड कराना। जब चिक्स आते हैं तो 33 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसको प्रोवाइड कराया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ, उसका इम्यून पावर मजबूत हो सके। तो विदाउट ब्रूडिंग आप पोल्ट्री फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। जो भी नए फार्मर्स हैं नहीं जानते थे ब्रूडिंग क्या होता है, तो ब्रूडिंग सिंपल सा चिक्स को टेम्परेचर प्रोवाइड कराना है जितना उसको रिक्वायर्ड है शुरुआत के दिनों में, एक हफ्ते तक, ठीक है। तो ब्रूडिंग का टेम्परेचर भी मैंने आपको बता दिया, 33 से 35 डिग्री सेल्सियस जब चूज़े आपके फार्म पर आते हैं तब, ठीक है। अब ब्रूडिंग, हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग में बल्ब का प्रयोग होता है, 100 वाट का या 200 वाट का बल्ब आता है और जहाँ पे आप वो लेयर, टीन की लेयर लगा के और उसके अंदर जो ब्रूडर बच्चे डालते हैं आप, उसके ऊपर बल्ब लगाया जाता है, ठीक है, ताकि एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो। टेम्परेचर रॉड जरूर लगाइएगा उस जगह, पता लगाइएगा कि उस जगह का टेम्परेचर कितना है। 33 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जब आप इलेक्ट्रिक ब्रूडर का यूज़ कर रहे हैं तो आपके फार्म पर 2400 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक ब्रूडर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मौजूद होनी चाहिए। अब देखिए, गर्मियों में जो बर्ड होते हैं, जो चूजे होते हैं, उनको 1 वाट की आवश्यकता होती है, लेकिन यहीं अगर सर्दियों की बात आ जाए तो उन्हें 2 से 3 वाट की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी, क्योंकि सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होगी, तो 2 से 3 वाट तक आपको मतलब खर्चा आ सकता है। हाँ, गर्मियों में 1 वाट तक। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो 90% पोल्ट्री फार्मर्स हैं वो इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग का ही वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग सबसे ज़्यादा ही यूज़ करते हैं 90% जो फार्मर्स हैं इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग, ठीक है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर आपके फार्म पे मीटर लगा हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपका थोड़ा सा बिल ज़्यादा आ जाएगा, सिर्फ एक ही इसका डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं ब्रूडिंग के बारे में बताया था इलेक्ट्रिक ब्रूडिंग, अगली वाली वीडियो में आपको गैस ब्रूडिंग के बारे में बताऊँगा। और जो भी हमारे फार्मर्स हैं नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की नॉलेज को लेने के लिए। और भी कुछ आने वाले समय में इस चैनल पे आपको मिलेगा पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड, ठीक है। फीड को कैसे क्या करना है वो भी सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक है। हैचरी से भी संबंधित हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अपने फार्म का ध्यान रखिए, डेली कंटिन्यूस विज़िट करिए जो कर रहे हैं फार्मर्स भाई हमारे। बायो सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखिए, आसपास फार्म को देखिए, कोई मक्खियों के लार्वे आर्वे तो नहीं जमा हो रहे हैं, मच्छरों के लार्वे तो नहीं जमा हो रहे हैं, उनको किल कर दीजिए। और पेड़ पौधे लगाइए आसपास, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराइए अपने बर्ड को, हवा,
अभी इस समय बहुत गर्मी है तो अच्छी तरीके से फॉगर वॉगर का इस्तेमाल करिए, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और वेट पर भी ध्यान रखिएगा, बर्ड की वेट कितना है, कितने दिन में कितना वेट ले रहा है, क्या कमी है, दवाइयों मेडिसिन में क्या कमी है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देख रहे थे फिश एंड पोल्ट्री एटर, मैं हूँ कुलदीप सिंह।